सभापति महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र सांगानेर के रामपुरा रोड क्षेत्र, मदरामपुरा डिग्गी रोड क्षेत्र, माल की ढाणी तेजाजी का बाड़ा क्षेत्र, कमला नेहरू नगर, केसीसी नगर, कनक विहार व बांकरोटा क्षेत्र, कालाबड़ फाटक व टिब्बा टोल टैक्स क्षेत्र, इंडिया गेट व सीतापुरा क्षेत्र की कॉलोनियों, राजीव आवास योजना किरों की ढाणी क्षेत्र में आज बारिश नहीं होने के बावजूद भी घुटनों घुटनों तक पानी भरा हुआ है। लोग गाड़ी पैदल चलना तो बहुत दूर की बात है, गाड़ियों से भी निकल नहीं पा रहे हैं। इसी प्रकार से सभापति महोदय, वार्ड नंबर 65, 66, 67, 71, 74, 83, 88, 91, 92, 95, 96, 97, 98, 99 में पृथ्वीराज नगर, पत्रकार कॉलोनी व आसपास की कॉलोनियां, नारायण विहार, असरपुरा, गणितपुरा, गोल्यावास, मान्यवास, कल्याणपुरा, दादूदयाल नगर, जोतरावाला, शिकारपुरा, दानका बस्ती का क्षेत्र, सैकड़ों कॉलोनियों में पानी की निकासी नहीं है। जेडीए व नगर निगम के अधिकारियों को कई बार वहां दौरा करवा दिया, मौका दिखा दिया, आमजन के साथ जाकर प्रदर्शन कर लिया, लेकिन वहां सिवरेज और नालियों की व्यवस्था नहीं करवाने के कारण लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। सभापति महोदय, मानसरोवर, प्रताप नगर, श्योपुर, पिंजरापोल, गौशाला क्षेत्र, सांगानेर कस्बा व आसपास की कॉलोनियां, गोपालपुरा बाईपास, दुर्गापुरा क्षेत्र व आसपास की कॉलोनियों में 30 वर्ष पहले सिवरेज लाइन डली थी, आज पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त और जीर्ण शीर्ण हो गई है। सरकार ने किसी प्रकार का न कोई ध्यान दे रहे हैं और लोग जयपुर शहर राजधानी में रहने के बावजूद इस क्षेत्र की सैकड़ों कॉलोनियों में नरकीय जीवन जी रहे हैं। 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा सभापति महोदय जेडीए को नियमन के नाम पर कॉलोनियों के लोगों ने जमा करवा दिए, लेकिन उसके बावजूद भी ना सड़क बन रही है, ना नालियां बन रही है और ना सिवरेज डल रही है। मेरा आपके माध्यम से यूडीएस मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस लोक महत्व के विषय पर सदन की कार्रवाई रोककर इस स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा करवाकर आम लोगों को जीवन यापन करने का अधिकार दें और इस महत्वपूर्ण विषय पर यूडीएस मंत्री महोदय इस बजट में थोड़ी बहुत घोषणा सांगानेर की भी करवा दो, यही आपसे निवेदन है। सारा बजट केवल जोधपुर मत ले जाओ, कोटा मत ले जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। श्री जोराराम कुमावत। माननीय सभापति महोदय जी, आपने नियम